देखो भाई क्या है, बीच में खड़ा हो गया, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा दादा। वी आर बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का पिस्टन नेशन में। शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की, तो पहले भाई लाइट क्रॉस कर ले, रास्ता ही नहीं दिया हमें, तो लेफ्ट जाना है भाई, दे दो भाई। ये देखो ये थी निंदा टेक्निक, यहाँ तो फंसे रह जाते लेफ्ट में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्त के घर, मेरा 12th क्लास का दोस्त है, तो उस घर तो नहीं कह रहा, उसकी फैक्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम है, तो एक बार पहुँच जाते हैं, काम निपटाते हैं। और आज कुछ और भी प्लान है दोपहर। अरे भैया कैसे, अच्छा लाइट है इधर, वो भाई पूरा रोड घेर के खड़े हैं, मैं तो उधर रुके क्यों हुए हैं। ये लो जी ग्रीन हो गए अपने आते ही, अंकल फंस गए। तो आज शाम को होली का कार्यक्रम भी है NMN ब्लॉक के घर पे, पता नहीं क्या शौक चढ़ गया, दो दिन पहले ही होली मनाने बैठ रहे हैं सारे, तो शाम को वहाँ भी जाना है। और जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तो भाई हमारे लिए नुकसान की बात है, गर्मी में बाइक नहीं चलती यार, सर्दियों में तो मज़ा आता है, कवर हो जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कोई, गर्मियों में AC थोड़ी लगा लेंगे यहाँ पे। तो चलो AC रोड में ले, फटाफट पहुँच जाएंगे 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से है अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर इतना ही होगा। अरे 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 लो जी निकल गई। ये देखो भाई क्या है, बीच में खड़ा हो गया, इन्हीं लोगों की वजह से होता है एक्सीडेंट। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं लगभग अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ से हमें होना है राइट, राइट कौन सा कट है, ये वाला आगे वाला, आगे वाला, याद है याद है, अब याद हो गया। तो यहाँ से हमें जाना है राइट पतली सी गली में, चलो चलो जल्दी चलो। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, डबुआ कॉलोनी का, डबुआ डबुआ में आता ना, हाँ डबुआ में ही तो है। और यहाँ से लेफ्ट, और हमें जाना है ये सामने गरुड़ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एक बार ही इधर से अपना काम निपटा लें, फ्री हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो भाई यहाँ से हम लोग हो गए हैं फ्री, और हो गया जो भी काम था, पर काम में लगभग हमें लग गए 12 बजे हम आए थे, और अभी बज रहे हैं 5, तो भाई लगभग पूरे पूरे 5 घंटे लग गए हमें। और अभी भाई होली मनाने का सीन है, NMN ब्लॉग्स के घर पे कुछ है प्रोग्राम, पता नहीं 2 दिन पहले से ही होली मनाने के लिए चालू हो गए लोग, तो मैं जाता हूँ अभी। तो देखो कपड़े पहन रखे हैं, तो भाई थोड़े ढीले ढाले से कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि गंदे तो होने हैं कपड़े, इतना तो है भाई, रंगेंगे ढंग से रंगेंगे लोग, कोई नहीं हम भी तैयारी करके चलते हैं। बाइक का इंजन ऑयल निकाल लेता हूँ, उससे होली खेल लेंगे, हटेगा ही नहीं भाई। और वैसे इसका इंजन ऑयल चेंज होने का टाइम आ गया, तो काला हो गया होगा इंजन ऑयल बिल्कुल, जिस पे लगा दिया बंदा पहचान में नहीं आएगा। अरे चल लो यार, खाली पड़ा रास्ता फिर भी, चलो जी अब यहाँ से ट्रैफिक तो नहीं मिलने का, यहाँ से हमें जाना राइट। ओ लाइट ग्रीन पड़ी है, फटाफट निकल लूँ, चलो भाई पहुँच गए, लाइट भी बच गई हमारी, यहाँ से जाते हैं राइट जाते हैं। लो जी आउटफिट हो गया चेंज, ऑल ब्लैक कन्वर्ट हो गए हम, ताकि भाई कोई रंग लगाए तो पता भी ना लगे। और ये देखो ये कुछ हमने अस्त्र शस्त्र ले लिए हैं, क्योंकि भाई नमन और ये सब प्लानिंग करके बैठे हैं, कुछ लग रहा है कुछ तो गलत है, तो हमने भी भाई अपने हथियार ले लिए, और अब चल रहे हैं नमन के घर की तरफ, यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ओ भाई बाटा का फ्लाईओवर तो ब्लॉक दिख रहा पूरा, और यहाँ सिग्नल भी हमें रेड में दिख गया, ब्लॉक तो नहीं है, चल रहा है धीरे धीरे। लो जी सिग्नल भी हो गया ग्रीन, और चलते हैं फटाफट,
और भाई आप सभी को और आप सभी के घर वालों को, सभी की फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली। हालांकि होली है परसों, पर ये व्लॉग पता नहीं कब आएगा, तो इस वजह से एडवांस में हैप्पी होली। और अभी हम सांप बनाते हुए निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो, अगर यहाँ पे हमारे पास हो गाड़ी तो देख रहे हो क्या डिसएडवांटेज होता है, वरना निकल भी ना सके। बाइक का ही एडवांटेज, कहीं से भी निकल जाती है। अब ना वाइजर बंद कर लूँ मैं, आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, विंड ब्लास्ट आ रहा होगा ज़्यादा। मेरे को चेन कैसी आवाज़ कर रही है। ये देखो भाई व्यू कितना अच्छा आ रहा है रोड पे। सनसेट होने वाला है अभी तो नहीं, एक घंटे बाद होगा, एक डेढ़ घंटे बाद। और धूप ऐसी आ रही है मस्त, एकदम इस एंगल से रोड चमक रहा है पूरा। एक बार बस हम चढ़ जाएं इस हाईवे पे, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अब नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, अब पहुंच जाएंगे आराम से जल्दी जल्दी। यहाँ से है शायद से 3 किलोमीटर कुछ, और ये रोड तो है बिल्कुल सीधा, बस एंड में जाके हमें एक लेफ्ट कट लेना है, पहुंच जाएंगे हम। ऐसा रोड मिलता है बिल्कुल एकदम खाली खाली, और विंड ब्लास्ट बहुत तगड़ा रहा भाई। पहले यहाँ पे हुआ करता था यू टर्न, अब वो यू टर्न बंद कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते थे इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे चलते थे हाई स्पीड में लोग, और ये था यू टर्न, और फिर हाई स्पीड लो स्पीड का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, इस वजह से कोऑपरेट नहीं हो पाता था। तो भाई ये कट ही बंद कर दिया, और यहाँ पे एंट्री होगी हमारी बल्लभगढ़ में। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है। पवन और नमन ये लोग पहुँचे हुए हैं 3 बजे के, और हम लोग को हो गए हैं 5:30 पहुँचते पहुँचते, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटा लेट है जस्ट पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ से हमें उतर के एग्जिट लेना है लेफ्ट की तरफ, और ये आ गया एग्जिट। यहाँ से हो जाएंगे लेफ्ट, और हमारी एंट्री हो जाएगी मुकेश कॉलोनी बल्लभगढ़ में। ये लेफ्ट भी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि लेफ्ट वाला ट्रैफिक राइट आता है, राइट वाला लेफ्ट जाता है, तो इस वजह से आराम से चलो यहाँ पे। ये लो जी एंट्री तो हो गई, अब यहाँ से मुश्किल से 0.5 किलोमीटर है नमन का घर, चलते हैं फटाफट। वो भी तैयारी में बैठे हुए हैं, हम भी तैयारी में बैठे हुए हैं, अंडे ले लें क्या मारने के लिए? ये रे नहीं नहीं रहने दे। थोड़े खतरनाक कट लग रहे हैं, कैसे स्लो में हूँ ना अभी इस वजह से। ये आ गया चौक, यहाँ से होंगे हम राइट, बस पतली पतली गली होगा ना, थोड़ा यही रहता है ट्रैफिक का मामला। अरे हैवी ड्राइवर, ये देखो भाई ऑलरेडी भूत दिख गए हमको रास्ते में, ऐसी हमारा हाल होने वाला है, मुझे फीलिंग आ रही है भाई। भाई पहुंच गए हम इसके घर, गाने वाने तो चल रहे हैं। अब एक बारी मैं ना ये सारा सिस्टम संभाल के रख लूं। ये देखो ऊपर से देख रहा भूत बना पड़ा, तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई होली होली का सीन हो गया ख़त्म, और हाथ पैरों पर मुँह पर अच्छी तरह रंग लग गया है, तो अभी तो हटने नहीं वाला है दो दिन तक। वैसे भी परसों होली है,
परसों भी लगना ही है दोबारा, तो क्या करना, हटे ना हटे, परसों के बाद हटाना पड़ेगा बस। और चलते हैं अभी घर की तरफ, टाइम हो गया है 9 बज के, भाई काफ़ी टाइम हो गया, हम आए थे 5 बजे और मौसम भी अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है। और ये चढ़ गए हम मथुरा रोड, यहाँ से हमें कितना टाइम लगेगा घर जाने में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 10-15 मिनट में हम घर, और 2 मिनट की दूरी तय करके हम पहुँच गए हैं बाटा चौक, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे और अपने को जाना है NIT 2। ये बढ़िया है, ट्रक के साइड में लाइटें लगी रहती हैं, पता रहता है कितना लंबा ट्रक है क्या है, उस हिसाब से ओवरटेक या टर्न करो। यार ब्लैक वाइजर की दिक्कत है, कुछ दिखता नहीं है, वाइजर खोल ही लूँ। और आगे वाले कट से चलते हैं, यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। शॉर्टकट तो पड़ेगा पर भाई यहाँ पे धूल बहुत उड़ती है। ये देखो धूल इस रोड पे, यही है धूल बहुत उड़ती है। और एक सेकेंडरी ये गड्ढे देखो, अब तो भर दिए। खैर व्लॉग, आई होप ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर नए हो। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।